अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है इमली गुड़ की चटनी की। तो चलिए जी रेसिपी को बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम इमली ले ली थी, उसको मैंने पानी के साथ भिगा के रखा हुआ था और मैंने उसका पल्प एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये इतना रनी मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है, इस पर मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इस पर मैं 1 टीस्पून मोटी सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ को 1-2 सेकंड के लिए पकने देंगे। फिर इस पर मैं 1/2 टीस्पून करेल डाल रही हूँ, कलौंजी जो हम अचार में इस्तेमाल करते हैं, और 1-2 सेकंड के लिए इनको अच्छे से भूनेंगे। फिर 1/2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और फिर ये जो इमली का पल्प हमने रखा था साइड में बना के वो ऐड कर देंगे। मसाला मेरा यहाँ पे जलने लग गया था इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून इमली का पल्प पहले डाल दिया था जिससे वो जले नहीं। और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आपस में और इसमें एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा फिर हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के गुड़ को तोड़ के रख लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। गुड़ को आप अच्छे से ग्रेट भी कर सकते हैं, मैं और तोड़ के भी ऐसे डाल सकते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में, ये अभी मेल्ट हो जाएगा। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से बॉईल करेंगे और चटनी को तब तक बॉईल करेंगे जब तक इसमें आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती है जो आपको चाहिए। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून किशमिश डाल रही हूँ। आप ये टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप डालिएगा, नहीं पसंद है तो आप उसको नहीं डालिएगा। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और मैं 1/2 टेबल स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस चटनी को बॉयल करते रहेंगे और अपनी कंसिस्टेंसी तक इसको लेके आएंगे। यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया है ऑफ और क्योंकि चटनी को ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। इसको एक साइड रख देंगे और फिर ठंडा होने के बाद चेक करेंगे कि आपकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ये बनी कि नहीं। ये देखिए जी, अब इसको मैं ट्रांसफ़र करने लग गई हूँ एक दूसरे बर्तन में। आप इसको 5-6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।